जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आपके बस भी ठीक होंगे और माशाल्लाह अच्छे से ब्रीथ कर रहे होंगे। तो जून जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, ठीक है। आज जुलाई की मेरे ख्याल से आज 5-6 होगी, ठीक है। तो सावन भी आने वाला है, कह रहे कि मानसून की जो बारिशें हैं वो भी अब शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। न्यूज़ में देखा है, वो बता रहे हैं। तो बरसात का मौसम होगा तो मेरे जो बर्ड्स हैं अल्लाह खैर करे, उन्हें थोड़ा सा चलो कि बारिश से भी बचाना है, ठीक है ना। तो आप भी इस तरह किया करें, अपने बर्ड्स को बारिश से बचाए और बीमार होने से भी, ताकि उन्हें बुखार नज़ला जुकाम ना हो, ठीक है ना। तो बाकी उन्हें मल्टी विटामिन भी देते रहा करें। और बाकी मैंने ये मैं पानी डाला है तो ये नहा रहे हैं बड़े शौक से, क्योंकि आज से ये रफ्ते दोस्त पहले तो ज़्यादा ही नहीं, मैं चावल भी करता था जब गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आजकल जो हीट स्ट्रोक चली हुई थी तो उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहा था, लेकिन तो मैं चावल ज़्यादा करता था रात को भी और सुबह भी। ये अलहमदिल्ला मेरे पास बचे रहे गर्मी से। तो अभी तो मैं रोज़ सुबह के टाइम पानी देते हैं उस बोल के अंदर, तो ये अच्छी तरह नहाते हैं ज़बरदस्त तरीके से। फिर ये जाकर फिर ऊपर बैठ जाएंगे, फिर दोबारा अगली की बारी आएगी फिर वो नहाएंगे। तो ये भी इनका तरीकेकार, आप इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगा तो फिर ये दोबारा नहाना शुरू करेंगे। अब देखो ना, ये सारे नहा चुके हैं, सारे अपने अपने पैर को झाड़ रहे हैं, इनमें शाइन लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तरीकेकार है। बाकी मैं ये मल्टी विटामिन में इंशाल्लाह मैं दे रहा हूँ रोज़ाना, और बाकी जो मेन वाम है मैं आपको मैं बताता हूँ इसी वीडियो में, आपको नज़र होगा ये दिलमाग से जो उसे हैं उन्हें मैं रोज़ाना आपको इतनी देता हूँ, क्योंकि पिछले जो हीट स्ट्रोक थी उसके अंदर तो मैंने नहीं दिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी जो मानसून की बात से शुरू हुई है उन्हें मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मीलवाम ये दे रहा हूँ, ठीक हो गया। तो बाकी ये है कि अब जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैं जो मीलवाम है मैं कैसे बना रहा हूँ और उन्हें कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी देखो ना, ये छोटे उसमें भी नहा रहा है और ये जो बड़े उसके अंदर भी नहा रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा ये पानी ख़त्म होगा तो इसमें मैं दोबारा पानी डाल दूँगा। तो बाकी अब ये फ़िलहाल तो रेस्ट में है, क्योंकि जुलाई है, जुलाई की आज थोड़ी सी 5-6 तारीख जा रही है आगे, तो आगे फिर अगस्त आ जाएगा। तो इंशाल्लाह अगस्त महीने में उसको जाके शिफ्ट करूँगा, उनकी केयरिंग करूँगा। केयरिंग करने के बाद फिर उनके अलग अलग बॉक्स लगा दूँगा। तो मेरा तो वैसे प्लान ये है, सिल्वर के अलग पेड़ लगाऊंगा और वाइट के अलग पेड़ लगाऊंगा और ग्रे के अलग पेड़ लगाऊंगा। तो उनमें ये है कि जो जिस कलर के होंगे उसी कलर के बच्चे निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरी प्लानिंग है। बाकी मैं अब रेस्ट पे दिए हुए हैं, बाकी अभी अगस्त जिस तरह शुरू होगा अगस्त के दरमियान में मैंने तो शिफ्ट कर लूँगा 15 अगस्त को इंशाल्लाह, और बाकी अगस्त के एंड में जाके मैंने बॉक्स लगा दूँगा। तो ये भी इंशाल्लाह शिकार होगा। बाकी ये मेरे ये लव बर्ड है माशाल्लाह से, अभी में भी ये मेरे पास एक पेड़ था, तो आपको बताया था स्टूडियो में भी कि पहले क्लच में उसने 4 बच्चे निकाले, ठीक है। तो ये 4 बच्चे उसमें खेल रहे हैं, तो उसके बाद भी मैंने 4 बच्चे दिए थे, एक बच्चा एक्सपायर हो गया, उसकी लात खराब थी, तो 3 बच्चे रह गए थे। 3 बच्चों ने कह लो कि माशाल्लाह अच्छे से सल भी हो गए थे, खाना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। तो एकदम जिस तरह हीट स्ट्रोक चली तो ऊपर गर्मी की वजह से उन्हें गर्मी लगी और वो धीमे से धीमे ही पड़क गए। तो अब ये 4 पीस कह लो कि पत्थर बच्चे हैं मेरे पास, बाकी एक पेड़ है, तो मैं अलहमदिल्ला 6 ये मेरे पास हो जाएंगे 6 पीस। तो मैं अल्लाह खैर करे इनकी पेयरिंग करूँगा, अभी इनका पता नहीं है कि मेल फीमेल कौन से हैं, तो इनके भी चेक भी करूँगा, ठीक हो गया। बाकी ये मेरे पास 100 साइज़ के पेड़ हैं, ठीक हो गया। इनमें भी मेरे पास ये 2 पेड़ से मैंने स्टार्ट किया था, मतलब कि 2 पेड़ मैंने रख लिए थे, बाकी सब सेल कर दिए थे 100 साइज़ के। तो इनमें से इन्होंने मेरे पास अलहमदिल्ला से 2 क्लच दिए, ठीक है ना। एक पेड़ ने माशाल्लाह पहले क्लच में 6 बच्चे निकाले, फिर 5 बच्चे, तो दूसरे पेड़ में भी 4 बच्चे और 4 बच्चे जा रहे थे, मतलब कि 2 क्लच दिए, ठीक है। तो मेरे पास तो शायद के पेड़ हो गए, बाकी इनमें से मेरे पास सेल भी की है और कुछ पीस रख लेंगे, ठीक है। बाकी ये देखेंगे माशाल्लाह चावा मेरी बड़ी अच्छे तरीके से नहा रही है, ठीक है।
इनका ये नहाना तो इन्हें बहुत पसंद है और इन्हें नहाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह ये नहाएंगे इनकी इस तरह की बीमारियाँ दूर होंगी और ये बीमारियों से बचे रहेंगे। बाकी जावा एक वाहिद ऐसा बर्ड है जो रेगुलर भी नहाता रहे, उसे कुछ भी नहीं होता, ना नज़ला, ज़ुकाम, ठंड उसे नहीं लगती, क्योंकि जितना ये नहाएगा उतना ही ये सेहतमंद रहेगा। ठीक है ना, तो ये भी मैंने चीज़ बहुत देखी है जावा के अंदर और बर्ड्स के अलावा। ठीक है ना, और बर्ड्स का ज़्यादा नहा लें तो उन्हें यह है कि नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, या लवबर्ड हो गया, या बकरी हो गया। बाकी ये जो जावा स्पैरो है, ये तो जितना मर्जी से नहला लो, जितना नहलाओगे उतना ही निखरेंगे, ये उतना ही अच्छी तरीके से इनकी देखभाल होगी। तो इन्हें मैं रोज़ाना नहलाता था, इन्हें रोज़ाना शावर भी करता था, इनको बोल रख के पानी में नहाते थे।